लोगों में सबसे ज़्यादा अल्लाह का महबूब वो है जो मखलूक के लिए ज़्यादा नाफ़े है। हज़रत सईद बिन अबी बुरदा अपने बाप से और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अला कुल्ले मुस्लिमिन सदका, हर मुसलमान के ऊपर लाजिम है कि वो सदका करे। तो एक शख्स ने अर्ज़ की कि अगर कोई शख्स इसकी इस्तेताअत ना रखता हो तो फिर वो क्या करे। फरमाया कि वो अपने हाथ से कोई मजदूरी कर ले और अपना पेट भी पाले और उसमें से कुछ बचा के अपने ज़रूरतमंद भाइयों की मदद करे। जब हालात ऐसे हों तो वो कुछ मजदूरी करके उनके दर्द का मदावा करे। अर्ज़ की, हुजूर अगर कोई ये भी ना कर पाता हो तो आका करीम ने इरशाद फरमाया, वो किसी मुश्किल में फंसे हुए शख्स की, किसी हाजतमंद की ज़रूरत को अमलन पूरा कर दे, किसी फंसे हुए को निकाल दे, किसी डूबते हुए का हाथ पकड़ ले, किसी का बोझ उठा के कमर पे लाद के मंजिल तक पहुंचा दे, किसी दुखी के काम आ जाए, तो वो अमलन किसी फंसे हुए मुश्किल में मुबतला शख्स की मदद कर दे, उसकी एयानत कर दे, उसकी नुसरत कर दे, तो ये भी उसका सदका है। कीला, हुजूर से अर्ज़ किया गया, अरायता इल्लम यस्तते, उसमें इतनी सख्त भी ना हो कि किसी दुखी का हाथ पकड़ के किसी मजबूर की मदद करे, अगर उसके पास ये ताकत भी ना हो, तो आका करीम ने इरशाद फरमाया, काला या मुरु बिल मारूफ अबिल खैर, वो नेकी का हुक्म दे, अच्छाई की तलकीन करे। वो तरगीब तो दे सकता है, लोगों को बता तो सकता है कि फलां गली में एक फाका ज़दा शख्स जिंदगी और मौत की कशमकश में है, लोगों उसकी मदद को पहुँचो। वो दुहाई तो दे सकता है, वो शोर तो मचा सकता है, अपने भाइयों की मदद के लिए लोगों को तहरीस तो दे सकता है, तरगीब तो दे सकता है, उभार तो सकता है। फिर अर्ज़ की गई, अरायता इल्लम यफ़अल, कि हुजूर अगर वो ये भी ना कर सकता हो, तो आका करीम ने इरशाद फरमाया, उसका वजूद किसी के लिए शर का जरिया ना हो, उसका वजूद किसी के नुकसान और ज़रर का सबब ना हो। फरमाया, फ़इन्नहा सदका, उसका यही सदका है। किसी को सुख नहीं दे सकता तो दुख ना पहुंचाए, किसी की मदद नहीं कर सकता किसी को धक्का ना दे, किसी की खैर खाही नहीं कर सकता तो बदखाही का मिजाज छोड़ दे, तो यही उसका सदका है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने हमें एक लाहे अमल दिया, मैं और आप देखें कि हम इन में किस मुकाम पे खड़े हैं। अल्लाह ने अगर हमें माले फरावा अता किया है हमारी ज़रूरत से ज़्यादा, तो हमें उसमें से सदका करना चाहिए, दिल खोल के सदका करना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तीन चीज़ें कसम करके कही कि मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कसम करके कहता हूँ, माँ नकासा माल व अब्द मिन सदका, सदके से माल कभी कम नहीं होता। और सुनो अल्लाह के महबूब क्या फरमा रहे हैं, और मैं उन लोगों के नाम अपनी मोहब्बतें पेश करता हूँ जो इस वक्त मैदान अमल में मौजूद हैं और गर्म मौसमों के थपेड़े गवारा कर रहे हैं और अपने भाइयों के साथ मुश्किल की इस घड़ी के अंदर, मुसीबत के इन लम्हात के अंदर खड़े। मफलूकुल हाल लोग अपनी गुरबत, लाचारी, बीमारी, भूख, नंग, अफलास की वजह से बाज़ औक़ात तहजीब भी खो बैठते हैं, लेकिन इसके बावजूद उस पर सब्र करना और उनसे उलझने की बजाय उनसे मोहब्बत और शफकत से पेश आना। हमारे तीन कारकुन जख्मी हो चुके हैं, पथराव किया गया मुख्तलिफ जगहों पर, और ये परसों तो रेंजर ने हमारे दोस्तों को निकाला, लेकिन इस पर तकलीफ ज़रूर हुई, लेकिन गुस्सा इसलिए नहीं है, खुदा ना करे इस मुश्किल में हम फंसे हों तो हमारा रूह सुखन क्या हो। पीछे बच्चे भूख से मर रहे हों, प्यास से तड़प रही हों बेटियाँ, तो इंसान लड़ने को आएगा, इंसान उलझ पड़ेगा। तो दोस्तों ने कहा कि ठीक है, करीबी इलाकों के अंदर आप ये जो ट्रक वहाँ आपके पास मौजूद है बांट के आ जाएं, सामान से ज़्यादा जाने अहम हैं। तो मैं सलाम पेश करता हूँ अपने उन साथियों को। उन्होंने कहा कि हम जो उन इलाकों का विज़िट करके आए हैं जहाँ अभी तक कोई मदद नहीं पहुँची, और पाँच पाँच छः छः दिन से वो लोग भूख में तड़प रहे हैं, तो जो भी होगा हम मुश्किल सह कर भी उन तक पहुँचने की कोशिश करें। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, उनकी मदद फरमाए, उनकी नुसरत फरमाए। अब सुनिए हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, ये मेरे उन दोस्तों तक जब मैसेज पहुंचेगा तो उनको बहुत तस्कीन होगी।
आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं इस मस्जिद में यानी मदीनतुल मुनव्वरा की इस मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में एक महीना एतिकाफ करूँ, इससे ज्यादा महबूब रखता हूँ किसी मोमिन की हाजत को जाके पूरा करूँ। एक महीना मस्जिद नबवी में एतिकाफ करने से ज्यादा मुझे ये पसंद है, ये ज्यादा महबूब है, किसी दुखिए के काम आ जाऊँ, किसी मुसीबत ज़दा के काम आ जाऊँ। तो ये वो काम है कि जो मुझे और आपको करना चाहिए और अपनी अपनी इस्तेआत के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग फील्ड में मौजूद हैं, जो लोग यहाँ उनके लिए कुमक भेज रहे हैं, जो अपने अमवाल से और अपने किरदार से इस काम के फ़रोग का ज़रिया बन रहे हैं, अल्लाह सब को बेहतर सिला और जजाए खैर अता फरमाए। मैं पंजाब सिंध बलोचिस्तान और KPK की पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत जगहों पर उन्होंने हमारी मदद की, और रेंजर का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बहुत जगहों पर हमारे कारकुनों को हिफाजती हिसार फराहम किया, और इस वक्त भी वो हमारे दोस्तों के साथ चल रहे हैं। अल्लाह सबको जजा दे, पाक फ़ौज को कदम कदम पे खैर अता फरमाए। मुश्किल की इस घड़ी में जो भी इन मजबूरों के साथ खड़ा है, अल्लाह उसकी मदद फरमाए।